नमस्कार साथियों, आर्य प्रोजेक्ट इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम में दिखाएंगे आपको डाइवेटर फिक्सिंग एंड CPVC वायरिंग। सिस्टम को लेज वाल के अंतर्गत कैसे फिक्स किया जाता है ये भी बताएंगे। सॉइल वेस्ट ड्रेनेज करने के लिए UPVC पाइप विद फिटिंग लेइंग कैसे करेंगे यह भी आपको प्लम्बिंग से रिलेटिव बताऊंगा। सीवर लाइन स्लोप के मुताबिक किस स्लोप पर चलती है वो भी आपके लिए आज बताएंगे। देख रहे हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई वायरिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इन सीलिंग, उसके बारे में भी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। ये जानकारी देने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं वाटर सप्लाई सिस्टम, बोले तो सेमेटिक डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं वाटर सप्लाई UG टैंक द्वारा की जाती है। जो अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं उनके द्वारा ही वाटर सप्लाई होती है। अगर टैंक में पानी नहीं होगा तो हम कहाँ से मतलब वाटर सप्लाई करेंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर फायर टैंक होता है, रॉ वाटर टैंक होते हैं और डोमेस्टिक वाटर टैंक होते हैं। आप देख रहे हैं डोमेस्टिक वाटर टैंक से दो आउटलेट वाटर सप्लाइयाँ निकली हुई हैं जो 80 mm एंड 100 mm डाया का पाइप से कनेक्ट हैं। प्रोजेक्ट के अंदर फ्लोर वाइज वाटर सप्लाई करने के लिए ओवरहेड टैंक भी बनाया जाता है। उस टैंक की फिलिंग करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक से आउटगोइंग निकलती है। टैंक के अंडरग्राउंड टैंक के आउटलेट को सीधा पंप सेट के सक्शन पार्ट से जोड़ा जाता है और इसके लिए डिलीवरी हाई राइज बिल्डिंग हो या कैसी भी हो उसके ऊपर जो ओवरहेड टैंक है उसमें आउटलेट ड्रॉप कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं दो पंप सेट लगे हुए हैं, एक स्टैंड वाइज है और एक वर्किंग में है। इसमें क्या है, जो टैंक अंडरग्राउंड टैंक से आउटलेट आया है वो इसके सेक्शन में कनेक्ट है, जो और एक इसकी डिलीवरी से सीधा ओवरहेड टैंक के लिए पाइप जा रहा है जो टैंक को फिलिंग करेगा। ड्राइंग के माध्यम से देख रहे हैं जो ओवरहेड टैंक 10,000 लीटर का बना हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं ये जो इनलेट है ऊपर से ड्रॉप किया गया है और इससे आउटलेट फ्लोर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में हर फ्लोर वाइज पाइप का साइज भी बदलता जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ओवरहेड टैंक के आउटलेट से फ्लोर वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से और प्रेशर के मुताबिक करेंगे। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे प्रेशर मेंटेन किया जाता है। आप मेरे चैनल में बने रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, वंदे मातरम।